नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ में संविदा पर तैनात दर्जनों की संख्या में विद्युत कर्मी आज जिलाधिकारी कार्यालय और धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। बकाया वेतन की मांग को लेकर दर्जनों की संख्या में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के संविदा पर तैनात दर्जनों की संख्या में विद्युत कर्मी आज जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। पत्रकारों से हुई बातचीत में विद्युत कर्मी आशीष पांडे ने बताया कि हमारा वेतन मार्च माह का अभी तक बकाया है और अप्रैल महीना का भी खत्म होने जा रहा है। किसी भी अधिकारी को हम फोन करते हैं तो कोई फोन नहीं उठाता, तो और तो और हमारा नंबर ही ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है, ना ही सब कंपनी का कोई अधिकारी फोन उठाता है। उन्होंने बताया कि विद्युत विभाग का 70% कार्य संविदा कर्मी ही करते हैं, फिर भी हमें समय से वेतन नहीं दिया जाता है। क्षेत्र में संविदा कर्मी अक्सर मार खाते हैं, उस पर भी विभाग मौन साधे रहता है। उन्होंने जिलाधिकारी से मांग किया कि जल्द से जल्द वेतन दिलाने का कष्ट करें। क्या नाम है भैया? आशीष कुमार पांडे, भूतपूर्व पूर्वांचल उपाध्यक्ष। क्या मामला है जो अपने धरना बैठे हैं? देखिए, मामला हमारा ये है कि मार्च माह का वेतन हमारा अप्रैल माह समाप्त होने को आ गया, लेकिन हमारा वेतन अभी तक निर्गत नहीं किया गया। किसी भी अधिकारी को फ़ोन करिए तो वो सही से फ़ोन नहीं उठाता है। चीफ साहब तो मेरे नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल चुके हैं। प्रबंध निदेशक MD साहब वो फ़ोन नहीं उठाते हैं। डायरेक्टर साहब भी फ़ोन नहीं उठाते। किसी अधिकारी को ये नहीं पता है कि हमारा वेतन आएगा कब। न तो कंपनी का फ़ोन कोई उठाता है, न बाहर का कोई फ़ोन उठाता है। सभी लोग आश्वासन पे आश्वासन देते हैं और काम के लिए हमेशा अग्रसित रहते हैं कि आप ये काम करिए, वो काम करिए। आज विभाग का जो भी कार्य होता है वो 70% कार्य संविदा कर्मी करते हैं। कई क्षेत्र में मार खाता है, संविदा कर्मी खाता है, उसके लिए भी ये लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं। तो हमारे पास इन्हीं मामलों के साथ हम लोग आए। हमारा वेतन अभी तक नहीं आया हुआ। हर महीने बिना लेटर के 2019 से 2022 तक बिना लेटर का हमको कभी वेतन नहीं मिला है। हर महीने धरना देना पड़ता है। ऐसे प्रबंध तंत्र में हम लोग काम करके क्या पाएंगे? हम काम भी करें, अधिकारी मजा मारे, अपने घर में AC में बैठे रहते हैं, हम लोग धूप में दौड़ते हैं। ये लोग हर कार्य का फायदा ये लोग पाते हैं, हम लोग कुछ नहीं पाते हैं। वेतन चाहिए हम लोग को। वेतन